हाय गाइस, वेलकम बैक माय चैनल लेक्सी लाइफ। टुडे इज न्यू डे एंड न्यू व्लॉग। तो आज मेरा है छुट्टी वाला दिन, तो मैं उठ गया कितना 5:30 बजे। उठ के वॉशरूम में गया, दवाई खाया, फिर जाके स्टोरी सुना। आप लोग भी स्टोरी सुन सकते हैं, जो लोग मेरे जैसे पागल हो स्टोरी सुनने के लिए, वो लोग पॉकेट FM आप लोग डाउनलोड कीजिए। उसमें बहुत बहुत सारा स्टोरी है, सुनते सुनते आप लोग एडिक्टेड हो जाओगी, इतना तो कन्फर्म है। जो लोग लव स्टोरी पसंद करते हो या फाइटिंग या थ्रिलर, तो डाउनलोड कर सकती हो। तो उसके बाद मैंने किया मेडिटेशन, टेरेस पे गया, जाके आँख बंद करके वेदर नेचर को फील किया मैंने। बर्ड्स का जो किच 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 होता है ना, एक म्यूज़िक का तरह, वो मैंने सुना मेडिटेशन में, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है खुले जगह में मेडिटेशन करना। और टेरेस पे तो, छत पे तो पूरा फांका, तो हवा भी लग रहा है और बहुत अच्छा फील हो रहा था। तो मेडिटेशन हो गया है, अभी रूम पे आया है। रूम थोड़ा सा मुझे ठीक करना है, क्योंकि रूम का हालत बहुत ख़राब है। आज दिन भर मैं क्या कर रही हूँ, आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए मेरा चैनल लेक्सी लाइफ, आप लोग का दोस्त। और ज़रूर कमेंट कीजिए। ए है, पहले मेरा हाथ था शानी देओल के जैसे, तो अभी मेरा हाथ कम हो गया। तो अभी मैं वेजिटेबल जूस पीने वाली हूँ, उसके बाद मैं करूँगी फटाफट आधा घंटा का एक्सरसाइज, उसके बाद मुझे बाज़ार जाना है, वैक्सीन करना है खुद का, थोड़ा सा बाहर निकलना है। दिन भर पूरा बिजी हूँ मैं, क्या करूँ। मुझे लगता है जो जो दिन है ना, मतलब जो घंटे का ये ऐसे घूमते रहे, मेरा हिसाब से 1.5 घंटा में 1 घंटा करना चाहिए, ताकि मैं आज आराम से मेरा सब पूरा काम कर सकती। तो चलिए, हाँ, आप लोग को बहुत दिन से मैंने दिखाया नहीं मैं कैसे जूस बनाती हूँ, तो आप लोग जुड़े रहिए। और मेरा जो मिक्सर ग्राइंडर है, आप लोग देखा है शायद हर ब्लॉग में, तो आज जो मेरा मिक्सर ग्राइंडर है वो अलग है, मैं चेंज कर दिया, क्योंकि वो बहुत शौकीन टाइप का है। लिया था, मतलब प्राइस था अच्छा ही था, 4500 समथिंग कुछ लिया था, ब्रोसिल का है। ब्रोसिल मतलब वो कंपनी ख़राब नहीं है, बट वो मेरा टाइप का नहीं है, क्योंकि मैं जिस तरीके से जो मिक्सर ग्राइंडर मैं यूज़ करती हूँ, तो मेरे लिए दूसरा कुछ चाहिए था। एक एक बार रिपेयर करते तो 500 करके लेके जाता है, बोले बाप रे बाप, 3 बार में 1500 गया है, बोले इससे अच्छा तो मेरा नया मिक्सर ग्राइंडर आ जाएगा। तो चलिए आप लोग को मिलाते हैं मिक्सर ग्राइंडर, टन टन टन, और कैसे मैं जूस बनाती हूँ आज आप लोग को दिखाऊंगी नया मिक्सर ग्राइंडर के साथ। तो दिस इज माय न्यू फैमिली मेंबर, नया मिक्सर ग्राइंडर, ये है बजाज का है। उससे थोड़ा सा पैसा कम है, बट ये माइलेज ज़्यादा देगा मुझे लगता है। कलर भी बहुत ब्यूटीफुल है और देखने में भी बहुत खूबसूरत है। मैंने लिया है, इसका प्राइस तो ज़्यादा ही था, कितना दिखाया था, 5000 समथिंग। ये 700 वाट का है, तो ये मुझे डिस्काउंट में 3700 में मिला। और ऐसे ही प्राइस है इसका, 4900 समथिंग कुछ डिस्काउंट में मिला। आप लोगों को तो पता है लड़की लोग को डिस्काउंट चाहिए। तो आज मेरा नया मिक्सर ग्राइंडर में मैं दिखाऊंगी कैसे मैं गाजर का जूस निकालती हूँ। तो आप लोग भी बहुत दिन से देखे नहीं हो मेरा भी वेजिटेबल जूस बनाने का तरीका।
मेरा ये छोटा सा घर है, छोटी सी दुनिया मेरा है, ये है मेरा चॉपिंग बोर्ड, और ये मैंने ले लिया गाजर, और मैंने ये ले लिया टर्मरिक, और दिस इज माइन एडेप्टर। तो छोटी सी दुनिया में मैं बहुत हैप्पी हूँ, जो है मेरे पास उसमें मैं बहुत खुश हूँ, और भगवान को मैं बोलती हूँ जो भी करेगा मेरे लाइफ में प्रभु अच्छा ही करेगा, तो उनके ऊपर मेरा विश्वास है और रहेगा, और ज़िंदगी भर अंतिम कल तक ही रहेगा, क्योंकि मैं जीसस को बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ, और जब से मैंने बिलीव किया तब से मेरा लाइफ में बहुत चेंजेस मुझे मिला, बहुत मैं हैप्पी हूँ लाइफ में, मेरा पेशेंस आया। पहले क्या करती थी, हर चीज़ में मैं रिएक्ट करती थी बहुत जल्दी, तो अभी मेरा वो चीज़ ठीक हुआ, तो और भी उनके ऊपर मेरा विश्वास है, मेरा लाइफ में जो भी करेगा अच्छा ही करेगा, और लाइफ दिया है, खाने क्यों दिया है, जॉब दिया है, तो उसके लिए मैं थैंक्स बोलती हूँ, जितना भी धन्यवाद करे प्रभु का कम है। तो सुबह सुबह प्रभु का नाम मैंने ले लिया, मेडिटेशन वगैरह कर लिया, रे बाप। छोटी सी हंसी, छोटी सी ते पत सो। इसमें देखो मैंने गाजर और हल्दी ले लिया, इसको मैं ढक दिया छोटा बाजार के निकल के लगा दिया मैंने, इतू सा खुशी, इतू सा हंसी, इतू सा देखो पेस्ट, अभी इसको छानना पड़ेगा। आई लव दिस, ओह माय फेवरेट फेवरेट फेवरेट। थोड़ा सा पानी दे, देखे ऐसे शेक कर लो। मेरा सुबह का फर्स्ट फर्स्ट ड्रिंक, इसके बाद मुझे करना है एक्सरसाइज, फिर आप लोग से मिलते हैं। दिन भर क्या कर रही हूँ, बाजार भी जाना है, कुछ इंटरेस्टिंग होगा तो वहाँ पे भी व्लॉग शूट कर लेंगे। चलो अभी पीने दो, डिस्टर्ब मत करो। तो अभी मैं जा रही हूँ बाजार,
वहाँ से जाऊँगी मैं सैलून, बाजार में जाना है, बहुत काम है, कि मेरे एक जूता जो था फट गया है, उसको रिपेयर करने के लिए देना है, और मैंने नया कपड़ा खरीदा ड्रेस, तो दो ड्रेस मुझे ऑल्टर के लिए देना है, उसके बाद मुझे थोड़ा बाजार भी करना है, हाथ का और पैर का वैक्सीन भी करना है, तो आने में मेरा तो लेट होगा, इसलिए मैंने खाना क्विकली बना लिया, क्योंकि आने में मुझे फिर थोड़ा सा निकलना है बोल के मैंने खाना बना लिया। मेरा बहुत इजी खाना बनता है, मैं प्रेशर कुकर में चिकन और वेजिटेबल दे के बना लिया चिकन स्टू और ब्राउन राइस विथ करेला का बॉयल, ये है मेरा मेनू। तो अभी बाजार से आने के बाद मुझे फटाफट नहाना है, फिर थोड़ा सा निकलना है, मेरा 3:15 में क्लास भी है, तो ऑनलाइन क्लास है तो बाहर भी कर सकते हैं कान में हेडफोन लेके, देखते हैं क्या करते हैं। तो अभी मैं बाजार जा रही हूँ सैलून, फिर थोड़ा सा सब्जी खरीद लूँगी, सब्जी ऑलमोस्ट है फ्रिज में, पटल है, करेला है, कच्चू साग भी पड़ा हुआ है, लास्ट लेके आया था जो कद्दू भी पड़ा हुआ है, तो मुझे फ्रूट्स लेना है और ड्राई फ्रूट्स भी थोड़ा लेना है, क्योंकि मेरा फ्रूट्स ख़त्म हो गया और मैं तो ब्रेकफास्ट में फ्रूट्स ही खाती हूँ, तो देखते हैं क्या क्या फ्रूट्स लेते हैं। तो चलो आप लोग को भी दिखाते हैं मैं क्या क्या करती हूँ, टाइम मिलेगा तो व्लॉग शूट करूँगी, नहीं तो नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मुझे जो भी करना है बहुत क्विकली करना है। अभी मैं आया हूँ देशप्रिय पार्क, मुझे जाना है गड़िया हाट में, तो फ्रेंड का यहाँ पे सैलून है, सैलून देखने के लिए आए, बहुत तो अभी मैं आया हूँ देशप्रिय पार्क, मेरा ये फ्रेंड का यहाँ पे सैलून खुला है उससे मिलने के लिए, और गड़िया हाट में थोड़ा सा मुझे बुक खरीदना था इसलिए, तो अभी मैं पैदल हूँ का दुकान में, तो आप लोग से मिलते हैं उसका दुकान में जाके, आप लोग शायद उनको पहचानते हो, पहले भी मैं भी देखा है, तो चलिए उसका दुकान पे जाके मिलते हैं। और मास्क पहन के मेरा फेस में पूरा मार्क हो गया मास्क जिस तरीके से है, तो आज मैंने ये वाला पहन, तो अभी मैं गड़िया हाट में हूँ, बुक्स मैंने लिया, दो बुक्स लिया, तो देख सकते हो गड़िया हाट में कितना ज़्यादा भीड़ है, मैं पैदल चल रही हूँ। मार्केट ऑलमोस्ट खुला हुआ है, देख सकते हैं। गड़ियाहाट का मार्केट, साइड में फुचका दुकान, कोलकाता का फुचका फेमस है, यहाँ पे सस्ते पे आपको कपड़ा बैग्स वगैरह सब कुछ मिल जाएगा, बार्गेनिंग आना चाहिए आपको, नहीं तो लूट लेगा। तो अभी मैं पैदल जा रही हूँ, फिर मैं यहाँ से ऑटो पकड़ूँगी और घर के तरफ जाऊँगी, वहाँ पे वीडियो शूट नहीं कर पाया क्योंकि देवाशीष दा का नया सैलून ओपन हुआ है, तो अभी तक पूरा प्रॉपर डेकोरेशन वगैरह नहीं किया, इसलिए मैंने व्लॉग शूट नहीं किया। तो आगे रास्ते पे मिलता, अभी कोविड में कमाई नहीं है, बट ऑटो का भाड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, ऊपर से डायरेक्टली नहीं जा रहे ये लोग, ब्रेक कर कर के ज़्यादा पैसा ले के जा रहे हैं।
देखो इतना सारा ऑटो यहाँ पे खड़ा हुआ है, सब जाएगा रासबिहारी, तारा तला लिखा हुआ फिर भी जाएगा नहीं। यही है इंडिया की हालत, देख के कौन सा तारा तला ये का लिखा हुआ है। घर में पहुंच गई, सीरियसली बहुत टायर्ड लग रही हूँ क्योंकि मैं जो जॉब करती हूँ ना फ्रीलांसिंग का, तो दिन भर मैं बाहर ही रहती हूँ। मोस्ट ऑफ द टाइम 10 बजे मैं निकल जाती हूँ, तो आते आते मेरा 8 साढ़े 8 बज जाता है, तो मेरा तबीयत मतलब थोड़ा सा वीकनेस लगता है, और ऊपर से मैं इतना ज़्यादा वेट डाइट भी फॉलो कर रही हूँ और वेट भी लूज हुआ है मेरा, तो इसलिए तो ज़्यादा मैं शूट नहीं कर पाया। तो अभी मैं घर चले आए, अभी मेरे गाने का भी क्लास है, उसके बाद मैं डिनर करूँगी और सो जाऊँगी। दोपहर में मैंने वो चिकन स्टू और राइस बनाया था, तो राइस मैंने खा लिया, ब्राउन राइस एंड करेला का बॉयल एंड चिकन स्टू, तो इजी मैंने बना लिया था। अभी चिकन स्टू है, राइस नहीं है, तो मैं वो खा लूँगी। और मैं गड़ियाहाट गए थे तो सेकेंड हैंड बुक ख़रीदने के लिए, क्योंकि मुझे बुक पढ़ना बहुत पसंद है। मैं फ़िलहाल तो मैं 6-7 साल पहले बहुत ज़्यादा बुक पढ़ती थी, मुझे उपन्यास स्टोरी ये सब मुझे पढ़ना बहुत पसंद है। तो आज मैंने गया तो बुक लिया, और मैं 1.5 साल के लिए स्पोकन इंग्लिश का भी क्लास कर रही हूँ ऑनलाइन, तो इसलिए मैम ने बोला जो बुक खरीद लो इंग्लिश, तो एवरीडे एक पेज करके पढ़ो एंड ऑडियो मैसेज मुझे करो। तो इसलिए मैंने जब गया तो मुझे ये बुक बहुत ज़्यादा पसंद आया, देख के मुझे पसंद आया, क्योंकि मुझे लग रहा है जो अभी का ये स्टोरी है, हर कोई ना मतलब कोई खुश नहीं है यार, चाहे फैमिली से हो, चाहे प्यार से हो, चाहे नौकरी से, मतलब खुश नहीं है। तो ये बुक का नाम है दी साइलेंट पेशेंट, और इसमें जो लिखा है ओनली सी नोज व्हाट हैपेंड, और जो लिखा है वो लिखा है ओनली आई कैन मेक हर स्पीक, तो ये मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन हुआ तो मैंने ये लिया है। इसका जो राइटर है एलेक्स है, और ये एक बंगाली उपन्यास, इतना सा मोटा सा, ये शरतचंद्र चट्टोपाध्याय का है, हम लोग का बंगाली का शान फेमस शरतचंद्र चट्टोपाध्याय, इनका उपन्यास है, स्टोरी भी है, तो मैं पहले भी पढ़ा हुआ हूँ, बर्दी मेज़दी बोल के मुझे बहुत पसंद आया। तो उसके बाद मैंने ये काम के वजह से और ख़रीद नहीं पाया या पढ़े नहीं, तो अभी मैंने ये दो बुक लिया है। तो अभी एक रूटीन बनाना है लाइफ में, एक्चुअली मैं रूटीन फॉलो करती हूँ, मेरे लाइफ का एक रूल्स है, मैं रूल्स फॉलो करके ही चलती हूँ, खुद मतलब दूसरों को डिस्टर्ब मत करो और मुझे कोई डिस्टर्ब मत करे, साइलेंसली पेशेंस रह के रहो अपना काम। मेरे लाइफ में एक फंडा है, मुझे एनी टाइम पेशेंस चाहिए और शांति माहौल चाहिए, मतलब मैं शोर शराबा किच किच खींचाता नहीं, चिल्ला मिले मैं वो एकदम पसंद नहीं करती, और ऐसे माहौल में मैं रह नहीं पाऊँगी, मुझे पसंद भी नहीं है। तो ज़्यादातर मैं थोड़ा सा शांत माहौल पसंद करती हूँ, जो थोड़ा शांत माहौल है, मैं थोड़ा सा अलग हूँ, मुझे वेदर फील करना बहुत अच्छा लगता है, नेचर को फील करना अच्छा लगता है, तो मैं थोड़ा डिफरेंट हूँ, मुझे समझना हर किसी का बस का नहीं है, और जो मुझे समझ जाएगा वो कभी भी मेरा साथ नहीं छोड़ेगा। लाइफ में बहुत इंसान आते हैं 2 दिन के लिए, नाटक करके दिल तोड़ के चला जाता है, किसी को फर्क नहीं पड़ता है जब मैंने उसके साथ क्या किया, ये किया, ये जो किया सही नहीं किया, किसी को रियलाइज नहीं होता जो उसके साथ जो किया ठीक नहीं किया। चलो
मेरा दिल बहुत बड़ा है, मैं सबको माफ़ करती हूँ, क्योंकि मैं जब से जीसस को बिलीव करती हूँ, प्रभु को मैं जब से बिलीव करती हूँ, कर्मा बोल के एक चीज़ है, मैं बहुत मानती हूँ, मैं जैसे करूँगी मुझे ऐसे ही मिलेगा, और जो जैसे करेगा, देखो झगड़ा लड़ाई इसमें कुछ सलूशन नहीं है, बट पता है हम लोग जो गलती करते ना, खुद को पता रहता है कि हम लोग क्या गलती किया, तो कर्मा मैं किसी के साथ बुरा करूँगी तो भाई मेरे साथ भी होगा, और मेरे साथ जो जो लोग किया है बुरा तो उन लोगों का भी होगा, आज नहीं तो कल होगा, जितना मुझे तकलीफ दिया है उससे बहुत ज़्यादा उन लोगों को मिलेगा, क्योंकि मैं मुझे पता है मैं किसी के साथ ख़राब नहीं कर दिया, मैं किसी मेरा दिमाग में किसी के लिए गंदा सोच रहता ही नहीं है, गंदा मैं किसी के बारे में सोचती नहीं हूँ, मैं किसी को प्यार करती हूँ तो पूरा दिल से आत्मा से, मेरे अंदर झूठ नहीं है, बट झूठे इंसान बहुत सारा लाइफ में मिला। चलो एनीवेज गाइस, वही एक बात मैंने बोला ना, जो इंसान मुंह के ऊपर स्माइल देता है, दिल में जो कालापन है हम लोग को समझ में नहीं आता है, काश इतना सुपर पावर मुझे मिलता तो मैं कभी भी ऐसे गंदा इंसान से कभी भी नहीं मिलता, कभी भी नहीं बात करता। तो अभी मेरा गाने का क्लास है, और पता है मैं ज़्यादा व्लॉग शूट नहीं कर पाया, तो मुझे आज कैसे लगा देखो, मेरा वेट कितना कम हो गया, और दूसरा बात मैं बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा नहीं, मैं थोड़ा सा हेल्थ लेके बहुत ही हूँ, मुझे ऐसे इंसान पसंद है जो लोग फिट है, और जो लोग ऐसे मतलब जिम नहीं है, जो लोग प्रॉपर एक डाइट फॉलो करता है, मतलब एक अच्छा फिजिक्स हो, मुझे ऐसे इंसान पसंद है, तो अलग ही है। चलो मैं तो ट्राई करती हूँ, डेली पॉसिबल नहीं होता है काम के वजह से, बट एटलीस्ट हफ्ते में 4 दिन आई विल ट्राई एक्सरसाइज। तो गाइस आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, मैं तो बहुत खुश हूँ, बुक खरीद के लेके आए, अभी मेरा स्टार्टिंग में कुछ दिन बहुत ज़्यादा नेक रहेगा इसको पढ़ने के लिए, तो धीरे धीरे ये भी कहाँ गायब होगा समझ में नहीं आएगा, तो टिल देन बाय, गुड नाइट, अच्छे रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, और मेरा वीडियो देखते रहिए, डू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फ्लेक्सी लाइफ, बाय।